कानपुर नगर निगम सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हो गया। उपसभापति कैलाश पांडे ने 13.70 अरब का बजट प्रस्ताव रखा था, बीजेपी पार्षद ने बजट को पास कर दिया। इस पर कांग्रेस के पार्षद कमल शुक्ला बेबी ने बजट की कॉपी फाड़कर फेंक दी। इतने में भाजपा के पार्षद नवनीत पंडित सहित अन्य हंगामा शुरू कर दिया और कांग्रेस के पार्षद कमल बेबी शुक्ला को सस्पेंड करने की मांग की। कांग्रेस और सपा के पार्षदों ने महापौर प्रमिला पांडे से बहस भी की। हंगामे की वजह से महापौर ने थोड़ी देर के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद कमल शुक्ला ने पार्षदों को 1-1 करोड़ का बजट देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम का इतना बजट है कि हमारे बाप ने भी इतना पैसा नहीं देखा होगा। महापौर ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि भाषा का चयन सही रखें। सदन में नवीन मार्केट की दुकानों का किराया कम करने का प्रस्ताव रखा गया था। पार्षद सोहेल अहमद ने इस पर आपत्ति जताई तो महापौर ने कानपुर नगर निगम की 2500 दुकानों का किराया कम करने की बात कही है। इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। सपा से कांग्रेस में शामिल हुए पार्षद सोहेल अहमद और पार्षद दल के नेता कमल शुक्ला आपस में भिड़ गए। बजट को बीजेपी ने पास कर दिया जबकि कांग्रेस और सपा के नेता हंगामा करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।